नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, और इनको जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वो थे फजान. सो इट इज ऑल्सो नोन एज फजान्स रूल्स. फजान रूल वॉज गिवन बाय कैसिमिर फजान, एंड फजान्स वॉज अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट. तो इन्होंने ये बताया कि जब भी कभी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें जो नेगेटिव आयन्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं और पॉजिटिव आयन्स साइज में छोटे होते हैं. तो जो एक छोटा हाईली चार्ज्ड पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, विकृत कर देता है, और इस तरीके से डिस्टॉर्ट करता है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इस तरीके से जो पॉजिटिव आयन का न्यूक्लियस है और जो नेगेटिव आयन का न्यूक्लियस है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइज करने की पावर जिसमें हो उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको साइड में देखिए दिखाया है कि एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया. अभी इससे पहले एक स्फेरिकल चार्ज रहता है जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन और एक वो सिमेट्रिकल होता है. लेकिन जब ये छोटा पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने सिमेट्री खराब कर दी. सिमेट्री खराब होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे ऊपर के फिगर में मैंने एक जनरल शो किया है और नीचे मैंने एल्यूमिनियम ब्रोमाइड शो किया है. तो एल्यूमिनियम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन एक ब्रोमाइड आयन एक बड़ा नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने न्यूक्लियस और ब्रोमीन के न्यूक्लियस के बीच में फिट हो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो इस प्रोसेस को जिसमें एक छोटे पॉजिटिव आयन की वजह से एक बड़ा नेगेटिव आयन पोलराइज हो जाए, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहते हैं पोलराइजेशन. और पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल में कोवैलेंसी इंड्यूस हो जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल कोवैलेंट हो जाता है. कोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो इसी तरीके का एक यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से इसका पोलराइजेशन हो जाता है और पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव आयन की होती है, जिसकी वजह से यानी कि जो कैपेसिटी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर लेने की, पॉजिटिव आयन की कैपेसिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इट्स पोलराइजिंग पावर. तो फजान्स रूल के तीन फैक्टर्स हैं. पहला कि साइज ऑफ आयन क्या है, यानी कि कितना बड़ा साइज है. दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव आयन है, स्मॉल पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है बड़े पॉजिटिव आयन की कंपैरिजन में. इसीलिए बेरिलियम आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है स्ट्रॉन्शियम और सबसे कम है बेरियम. ये पांचों के पांचों आयन्स के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, यानी चार्ज सेम है. तो बेरिलियम हैज द मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, और नेगेटिव आयन में पोलराइज होने की कैपेसिटी, जितना बड़ा नेगेटिव आयन होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर पोलराइज होने की कैपेसिटी है. सो इसलिए आयोडाइड आयन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू द चार्ज ऑफ द आयन. सो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव आयन के ऊपर वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन में
सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के पास दो पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम हैज गॉट थ्री पॉजिटिव, तो इसलिए एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा है, बिकॉज पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स। सो जो पॉजिटिव आयन जिनमें डी ऑर्बिटल है उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होती है अपना न्यूक्लियर चार्ज रिजर्व रखने की, इसका मतलब उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो पॉजिटिव आयन जिनपे केवल एस और पी ऑर्बिटल्स हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि वो आयन्स जिनपे डी ऑर्बिटल है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो जो कि अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं।